हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल फन रिपीट। कुछ मिसिंग लग रहा है क्या? कोई एनर्जी मिसिंग लग रही है जो हर बार होती है, हर वीडियो में होती है? हो सकता है, क्योंकि अभी 3-4 दिन हो गए हैं एंड आई हैव टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। सिंस लास्ट 3-4 डेज से मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और होम आइसोलेशन में हूँ। तो अभी कुछ दिनों तक हमारी कोई नई वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें भूल जाएंगे या आप लोग हमारे वीडियोस नहीं देखेंगे। तब तक आप जो हमारे पुराने जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं, तब तक वो देखें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें उन वीडियोज़ को। और अभी मुझे ये करीब 3-4 दिन पहले फीवर हो रहा था, तो अच्छी बात ये रही कि मैंने इमिडिएटली जाके टेस्ट करवा लिया, बिना वेट किए, बिना ये सोचे कि पहले डॉक्टर को दिखा के 3 दिन वेट करती हूँ मैं। मैंने इमिडिएटली पहले टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव निकल गया। मुझे मेरी रिपोर्ट आई थिंक 12 से 14 घंटे में रिपोर्ट आ गई थी और उसके बाद से ही मैं आइसोलेशन में हूँ। तो अगर किसी को भी, आपके नोन में से किसी को भी अगर फीवर है, तो आप बिना इंतज़ार किए प्लीज़ टेस्ट करवाएं। डरें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत से लोग, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, दे आर लाइक अगर फीवर है तो टेस्ट इसलिए नहीं करवाते बिकॉज़ वो डरते हैं कि पॉजिटिव आएगा फिर क्या होगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज एक बार पॉजिटिव अगर रिपोर्ट आ जाती है, इट्स ओनली अ रिपोर्ट, वो हमारे, हमें पता चल गया है कि पॉजिटिव है, तो अब हम उसका प्रॉपर मेडिकेशन है, उसके लिए जो कुछ भी प्रिकॉशंस हैं वो हम ले सकते हैं। मोर ओवर उससे बड़ी बात ये है कि हम दूसरों को भी पॉजिटिव होने से बचाते हैं ऐसा करने से। तो आप लोग प्लीज़ हमारे पुराने वीडियोस तब तक उससे काम चला लीजिए। इवन मेरे लिए भी ये बहुत टफ है कि सोचिए किसी ट्रैवलर को ऐसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए 4 दीवारी में, तो कितना टफ होता है एक ट्रैवलर के लिए भी। तो मुझे भी लग रहा है कितना जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ और फिर से बाहर जाऊँ, घूमने जाऊँ और आप लोगों तक खूब सारे वीडियोज़ आते रहें। अभी ये क्या है कि एक मेरे एक तरफ इधर एक बालकनी है जिससे तब तक बाहर देख के मैं काम चला रही हूँ, काम चल रहा है तब तक किसी तरीके से, जब तक ठीक नहीं हो रही हूँ। और अब मुझे अभी 2-3 दिनों से इधर थ्रोट इन्फेक्शन और फीवर था, लेकिन अब लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो गया है। तो 2 दिन पहले आई वॉज हैविंग क्रेविंग फॉर मैगी, मुझे बहुत मन था मैगी खा लूँ, पर मैंने कुछ सोच के नहीं खाया। मैंने सोचा छोड़ो, अच्छा अभी तबीयत सही नहीं है, बाद में खा लेती हूँ, कोई बात नहीं, या अच्छा चलो आज गले में लगेगा, कुछ सोच के बस नहीं खाया मैंने। और आज जब मुझे लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो गई, स्मेल सब कुछ खत्म, सारा सेंस खत्म हो गया, फिर लगा ओ गॉड, काश मैंने वो 2 दिन पहले मैगी खा ली होती। तो अगर आपका भी मैगी का मन कर रहा है, प्लीज़ खा लीजिए। आप ये मत सोचिए मैं 2 दिन बाद खाऊंगी, क्योंकि क्या पता मैगी स्टॉक में ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं सारी खरीद लूँगी जैसे मैं ठीक हो जाऊँगी। सो जोक्स अपार्ट गाइज, अपना, आप लोग अपना, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबका ख्याल रखें, और हम, मेरी गुड विशेस, हमारी टीम TFR की गुड विशेस आप सभी के साथ है, आप लोगों की गुड हेल्थ और सब कुछ, सब लोग फ्रेंड्स फैमिली के लिए हमारी विशेस है। आप लोग भी अपनी विशेस हमें देते रहें, मेरे लिए प्लीज़ आप अपने गुड विशेस भेजिएगा ज़रूर, याद से भूलिएगा नहीं। और तब तक हमारे पुराने वीडियोस से आप हमसे टच में रहिए, बिल्कुल भी टच से बाहर नहीं होना है। ओके गाइज, होपफुली सी यू सून इन अनादर इन्फॉर्मेटिव वीडियो शॉर्टली आफ्टर रिकवरी। तब तक हाँ, आप लोग भी कहीं जाए घूमने, आपकी फ्रेंड्स फैमिली कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो हर वक्त मास्क का यूज़ करें प्लीज़, मेरी तरह कोविड पॉजिटिव ना होके ना लौटें, और सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, हर वक्त बार बार सैनिटाइजर लगाते रहें, बिल्कुल भी इसे लाइटली मत लें प्लीज़। ओके गाइज, टेक केयर, सी यू अगेन, बाय।